नमस्कार, मैं ओम प्रकाश धानुका CMD रीगा शुगर। 1969 से मैं रीगा शुगर का काम देख रहा हूँ। जब मुझे काम दिया गया था तो 1000 टन की फैक्ट्री थी, जिसको बढ़ा के 50,000 टन और स्टीली फर्टिलाइज़र पावर प्लांट लगाया गया। फैक्ट्री बिहार में अव्वल दर्जों में ही आती थी, लेकिन विगत 5-6 सालों से जब गन्ने और चीनी के दाम में विषमता हुई और सभी शुगर इंडस्ट्री ट्रबल में आए, तो हम लोगों ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया दिल्ली में। और हमारे आंदोलन का फल ये हुआ कि मोदी सरकार जो आई थी, नई सरकार, उन्होंने सुनवाई की और कुछ रिलीफ्स अनाउंस किए। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सब रिलीफ्स जो मिले वो अच्छी कंपनियों को, बड़ी कमाई वाले फैक्ट्रियों को, उनको ही मिल गए। और जो कमज़ोर फैक्ट्रियां थी तमिलनाडु की, बिहार में हम लोग जैसे थे, यूपी में भी के नाम कई फैक्ट्रियां थी जो कमज़ोर थी, जो जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वीक हो चुके थे, जो निर्धन हो चुकी थी, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। उसमें एक्सपोर्ट को साथ में जोड़ दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसा लगा दिया गया जिससे कि ये फैक्ट्रियों को उसका बेनिफिट, चाहे लोन हो चाहे सब्सिडी हो, नहीं मिल पाया। उसी बीच में रीगा फैक्ट्री के साथ में ऐसा हुआ कि लास्ट 6 ईयर्स में फुडूट, फनायल, भूकंप, बाढ़ और इन सब से हम पीड़ित होते रहे। उधर चीनी के दाम कम, इधर ये, इन सब से प्रभावित होकर हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। और हमारे गन्ने के किसानों ने बहुत साथ दिया, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और हर साल कुछ न कुछ नई डिमांड, प्लस हमारे साथ में जाती स्ट्राइक, फैक्ट्री चलते हुए छोड़ देना आदि कार्य किया, जिससे फैक्ट्री को भीषण नुकसान हुआ। हम लोगों को 5 सालों में जो फने भूकंप वगैरह आया है, हर साल 7 से 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा फैक्ट्री को चालू करने के लिए खर्चा करना पड़ा। उसी बीच डिस्टिलरी में भी लोगों के कहने पे, जबकि हम जीरो डिस्चार्ज थे, लोगों ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। और पॉलिटिकली पता नहीं क्या अनाउंस थी हमारी सरकार की, जो रीगा फैक्ट्री को ख़त्म करने में ही लगे थे, कोई सहायता करने की बात नहीं करता था। दो हमारी फैक्ट्री की एग्जामिनेशन कई बार हुआ, देखा गया कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, फाइलें भी तैयार है, लेकिन एक पैसा भी हम लोग को नहीं मिला। बल्कि हमारा जो सब्सिडी का पैसा 8 करोड़ तो कई सालों से पेंडिंग है और 7 करोड़ अभी लास्ट ईयर से पेंडिंग है, 15 करोड़ रुपया ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको रिलीफ मिली होती, जो कि सबको मिली, तो 20-25 करोड़ रुपया वो मिला होता। अगर ये सब रिलीफ हमको मिल जाती और हमारे जो तूफान और उससे नुकसान हुआ वो रिलीफें मिल जाती, तो ये फैक्ट्री कभी भी बंद करने के लिए नौबत नहीं आती। आज ये पोजीशन है कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। 4 महीने से हम लिख रहे हैं कि 5% जो हमको फैक्ट्री चलाने के लिए दिया जा रहा है चीनी के सेल के ऊपर, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। उससे हम लोग न किसी की सैलरी दे सकते हैं, न कुछ मेंटेनेंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये हमको 20% मिलता था, तो उसका रिक्वेस्ट भी फाइल में ही चली जा रही है। हमारे साथ इतनी जातियाँ हो रही है, लोग 50,000 किसानों का भविष्य भी नहीं देख रहे हैं। उधर हमारे वर्कर हैं वो भी स्टेबिंग ही कर रहे हैं। कुछ वर्कर तो हैं जिन्होंने अपनी अपनी संपत्तियाँ बना ली है, कुछ ने अपना ईंटा का भट्टा बना लिया है, कुछ ने ट्रकें चालू कर ली है, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं प्रेसिडेंट, जो हमारी यूनियन नहीं है, हमारी कोई भी दोनों यूनियन में एक भी यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है, बट अपने प्रेसिडेंट और ये बन गए हैं, जो कि हमारी फैक्ट्री से बने हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लड़कों को हमने पढ़ाया है, उसके पूरा प्रूफ भी हम दे सकते हैं। उनके लड़कों की फीस वगैरह हमने दी है। अवध झा, मनोज कुमार, ये सब जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके बच्चों को हमने पढ़ाया है। और ये जो तथाकथित प्रेसिडेंट बने हुए हैं राम बाबू, इनकी फैमिली रीगा फैक्ट्री से ही बनी हुई है।
और इन्हीं को मारने में लगे हुए हैं। तो अब तो ये सरकार को निर्णय करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय करना होगा। एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद फैक्ट्रियों को चालू करने का सोच रही है, दूसरी तरफ ये फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है उसको बचाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। हमें जो ताज्जुब होता है कि सरकार की क्या नीति है, सरकार चाहती क्या है, दोनों सरकारों की नीति हमारे समझ में नहीं आती है। ये फैक्ट्री सक्षम है, इसकी मशीनरी सब एकदम अप टू डेट है। अगर किसानों को गन्ने का बीज दिया जाए और हमारी पूरी हेल्प की जावे और हमारा जो पैसा बकाया है वो दिया जावे, किसानों का पेमेंट करने के लिए 70 करोड़ रुपया लोन दिया जावे जिससे कि इनका बकाया मूल्य दिया जा सके, हमारा नुकसान का भरपाई किया जावे जो भूकंप से और उससे सबसे हुआ है, तो यह फैक्ट्री फिर अव्वल दर्जे में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेंशन करने की भी सोच रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें भी शर्त लगा दी गई कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तब आप कर सकते हैं, तो डिस्टिलरी को भी बढ़ा नहीं सके। आज एथेनॉल कितनी डिमांड है, अगर एथेनॉल पर काम किया जाता तो ये डबल प्रोडक्शन कर सकती है। इसी के साथ साथ 50,000 ग्रोवर और हमारे पूरे इलाके, 3 डिस्ट्रिक्ट की एकमात्र फैक्ट्री है, इसको बचाने के लिए सरकार को जरूर जरूर का नाम अपना खाते खजाने खोलने चाहिए, उसको बचाना चाहिए, जैसे चाहे बचाए, हमें दें या न दें उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा ये 53 साल से हमने उसको जो पाला पोसा और बड़ा किया इस फैक्ट्री को और मॉडर्न किया है, उसको बचा लें, यही मेरी कामना है। और हम लोगों ने बरबस होकर यह क्लोजर का नोटिस